प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के सहारनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा राजनीति नहीं और राष्ट्र नीति पर चलती है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्ष में देश में हुए अभूतपूर्व विकास का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सहित ईडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज समाजवादी पार्टी को हर घंटे उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं और कांग्रेस को तो उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन भी इस्तीफा दे दिया। क्या उत्तर प्रदेश वही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को देश की आशा आकांक्षाओं से कोसों दूर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग वाली सोच हावी है। घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती।